इस वक्त बड़ी खबर राजपुर से आ रही है, जहां पलसूद रोड पर नरावला फाटे के पास एक 12वीं की छात्रा जो कि हाथ पांव बंधे और मुंह पे कपड़ा बंधे अवस्था में मिली है, बेहोश हालत में मिली है। लोगों द्वारा उसे राजपुर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस फिलहाल मामले की विवेचना में लगी। बड़ी खबर राजपुर से आ रही है, जहां सड़क किनारे 12वीं की छात्रा हाथ पांव बंधे और मुंह पे कपड़ा बंधे अवस्था मिली है। लड़की की गुमशुदगी जुलवाना थाने में पहले से दर्ज थी। इस वक्त हमारे संवाददाता अजय फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, क्या है पूरा मामला? आज सुबह 7:30 बजे के आसपास पलसूद रोड पर नरौला फाटे के पास एक लड़की की सूचना मिली थी, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और बेहोशी की हालत में थी। ग्रामीणों ने उसको देखा और उसकी सूचना पुलिस राजपुर को दी और तत्काल उसे अस्पताल लाया गया, राजपुर अस्पताल, जहां पर उसकी जांच की जा रही डॉक्टरों के द्वारा और उसका इलाज जारी। पुलिस से आपकी बात हुई है, अजय क्या कहना है पुलिस का इस मामले को लेकर? पुलिस का कहना है कि लड़की की गुमशुदगी पहले ही राजपुर थाना जिलवाना थाना क्षेत्र में दर्ज है और लड़की उसी क्षेत्र की रहने वाली है और 25 सितंबर से ये मामला दर्ज है। डॉक्टरों से बात हुई आपकी, डॉक्टरों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? डॉक्टरों के अनुसार लड़की की हालत अभी ठीक है और उसे आगे की जाँच के लिए बड़वानी जिला चिकित्सालय रेफर किया जा रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा अजय ने बताया कि 25 सितंबर से लड़की की गुमशुदगी जुलवान थाना क्षेत्र में दर्ज, जुलवानिया थाने में दर्ज है और जुलवाना थाना क्षेत्र की लड़की रहने वाली है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक तौर पर उपचार किया गया है, उसे बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर राजपुर से जो है, इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। सड़क किनारे एक 12वीं के छात्रा का इस तरह हाथ पांव बंधा और बेहोश अवस्था में मिलना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है।